हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद आया है व्लॉग। रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इवेंट आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम इवेंट में गए थे। इवेंट के बाद डायरेक्ट हम लोग मेट्रो से गए मॉल में। तो सबसे पहले हमने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो के बाद हमने रिक्शा पकड़ी और सीधा मॉल पहुँचे। नन्नू और उसके पापा सीधा घर से आने वाले थे क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, तो इस वजह से मैं इवेंट में भी अकेले गई थी। और फिर हम मॉल में दोनों माँ बेटे पहुँचे, वहाँ पर डायरेक्ट इसके पापा आ गए थे। तो आगे का आप लोग व्लॉग देखिए। फाइनली हम आ गए हैं मॉल में और यहाँ पर हम जाने वाले मुस्कान और दिव्या के पास। दिव्या के बेटे की एडवांस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन चल रही है और रास्ता में आगे पता चलता नहीं है। परी मेरे पीछे है, परी का पापा और नन्नू रास्ते में हैं, आने ही वाले हैं, कह तो रहे हम पहुँच गए। तो उनके आते उनको भी मिलवाती हूँ आप लोगों से। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। और इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ये है दिव्या का बड़ा बेटा, उसके दो बेटे हैं और आगे आपको दिव्या भी देखने को मिलेगी। ये पता आपको, ये आपका गोती है क्या? चीनू तू प्यू प्यू का गोती हो गया, तू भी सांपला हो गया। अरे सांप सांप डसेंगे बेटा, सबको दुनिया को डसेंगे मिलकर। मैं भी सांप हूँ, तेरे को कितना बार डस लिया सुसरी करी, तभी तो बाबू। मैं बाबू निर्माण इनका, ये निर्माण ये बनाते हैं या काट करते हैं? मैं डसती हूँ। नया सुंदर लग रही है, फिर भी सुंदर लग रही है, कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? और अलग बैठी है। भाई सभी दोस्तों को राम राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इसका यूट्यूब चैनल। तो भाई जहाँ भी कहीं भी जावे रोड पे इसकी नज़र चील की तरह गड़ी रहे, तो इसने दूर तय एक या दो मोट कचौड़ी देख ली और इसका पर फड़फड़ान लाग गया। मैंने एमरजेंसी ब्रेक लगाई। दिखाते मोट कचौड़ी तो वो थी भाई जो मैंने अभी आपको दिखाई दुकान। तब इमरजेंसी ब्रेक लगाई, उसके बाद देख ले भैया कैसे ये इसकी डाइट करा दे। बहुत स्वाद है। हाँ डाइट बाहर की चीज हर एक स्वाद है, घर की रोटी खानी होती है डाइट पे। एक प्लेट और खा सकते खा ले ना? ना खा ले, खा ले कोई बात ना, खा ले चिकन ले दबा के, ठीक है जितना खा सके खा। पार्सल वालों को कह रही हूँ कल आज, कल भी नहीं आऊंगा, बार बार बीच बीच में कर रहा है। मैं ब्लॉग खराब कर रहा हूँ, इसको पता ना तू कितने ब्लॉग है ना? मेरा चैनल ही हट गया मोनेटाइजेशन का, ये रहा जाएगा हट गया। तो खा लिया चल है भगवान जाने बढ़े हैं। मैं एक बैठो, जब ये मिर्च क्यों ले हुआ, जब ये जब खानी ना होती है लड़के देते ऊपर दो मिर्च, कुछ है भी ना है पूछने चाहिए, दो मिर्च खराब है। खाइए ना, खाइए। ओहो
सारे दिन तू यहाँ पिक्चर बहुत हाँ गूगल पे है। जब मैंने कहा एक और प्लेट खाऊंगी तो उनका खा ले, अच्छा लगा मुझे, लो जाना उधर भगा दे, यहाँ कोई डस्टबिन धरा रोड पे। भैया यहाँ भगा दूँ, भैया यहाँ फेंक दूँ। थैंक यू भैया। आराम से दोनों बच्चे है ना? इसकी हाइट अच्छी है। पूछ कितने का दे रहा है? बे कितने का ये बड़ा वाला टब? आपके साथ ही आपके साथ ही कभी कोई गाना आता है तो प्लीज शेयर किया करो। क्यों करते तीन गाने आ चुके, किस किस ने नहीं बनाई, बनाया करो यार अपने साथ के सबको। मतलब थिएटर के गाने अगर आते हैं तो उनको सपोर्ट किया करो। एक बार क्यों करते हैं बहुत अच्छी बात है यार। अगर कोई इतनी तरक्की कर रहा है तो एक बार वो आप भी हो सकते हो, आप सब भी हो सकते हो। आपके भी गाने आएंगे तो सब लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे क्रिएटर्स की बीच बनाएगा। और खाना पीना खाने के बाद हम पहुंच गए सीधा इवेंट में। इवेंट में हमें सम्मानित किया गया और उसके बाद हमने बनाई ढेर सारी वीडियोस, थोड़े बहुत गप्पे शप्पे हंसी मजाक जो भी था आप लोगों को आगे को देखने को मिलेगा। ये है यूएन रेल की कंपनी जहां हम प्रमोशन में जाते हैं, सॉन्ग प्रमोशन करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं। आप लोगों को सारे वीडियोज़ मेरी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। और सेम लहंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो ये मुझे नीर पेज की तरफ से मिला था और वो पेज की आईडी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। मैं कहती मैं बुके लेके जाऊंगी लेकिन कहते मत लेके जाना, तो हम सब हंस पड़े। तो
मैं आई हुई थी अपने मम्मी पापा के घर, क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटी आई हुई थी। तो हम सब ने यहाँ पर 2 दिन का स्टे किया, बाहर घूमे, फिर ये शॉपिंग करी। और ये कुछ चीज़ें शॉपिंग करके जो मैंने रखी थी, अब मुझे वापस ले जाने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ आई थी कैब करके। और अब यहाँ से हमें मॉल जाना था घूमने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा सामान मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि मॉल से डायरेक्ट मैं अपने घर आने वाली थी, ससुराल आने वाली थी। तो फिर मैं पापा की हेल्प ले रही थी कि पापा इन सबको ना कम से कम बैगों में डाल के सेट करवाने की कोशिश करो। तो वो हमने सेट करा, और मैं रुकने के पर्पस से नहीं गई थी घर पे, मुझे था कि मैं आऊँगी मिलकर आ जाऊँगी। लेकिन अगले दिन जब मैं रुक गई थी वहाँ पर, और फिर अगले दिन जब मॉल जाने की प्लानिंग हुई, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैं मार्केट से जो खरीद के लाई थी उसी में से एक चीज़ मैंने डाल ली। मेरे पास कुछ था ही नहीं ऑप्शन पहन के जाने के, तो मैंने यही पहना हुआ था। और वैसे जल्दी सी बनकर चली गई मॉल में। तो यहाँ पर मैं और पापा बात करने लग रहे थे, और उसके बाद पापा मुझे बताने लगे थे कि आजकल ऐसा फ्रॉड होता है, ऐसा फ्रॉड होता है। और हालत देखो मेरी, मैं कितना ज़्यादा थक गई, क्योंकि नन्नू किसी के पास आ नहीं रही थी। यही था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे जो भी व्लॉग है वो पूरा कंटिन्यू कर रखा है मैंने, आप लोग देख सकते हो, उसमें सिर्फ मैं और मेरे पापा बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये भी परी बेटी है, इसको तो आप जानते ही, ये भी परी है। ये हमारा मिक्कू है, मिक्कू मिठू या, और ये तीनों बदमाश ही है। शेर, शेर वाले के शेर, ये कबाड़ी वाली है। अब मैं जचा लेती हूँ इसको, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हम जाएंगे मॉल, और वहां पर शूट करेंगे।